डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवध यूनिवर्सिटी की एडमिशन की मेरिट लिस्ट घोषित हो चुकी है। मैं आपको डायरेक्ट लिंक दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे ये अपनी कोर्स की मेरिट लिस्ट। सारे कोर्सेज की ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी कोर्सेज उनकी मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। फैशन डिज़ाइनिंग की और परफॉर्मिंग आर्ट्स की, मास कम्युनिकेशन की, टूरिज्म की, जेनोलॉजी की, BBA, BCA, BFA, BPES, BSW और BSc की, और तो ये सारी मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी हैं। अगर आपको मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना है अपने कोर्स की तो कोर्स नेम के आगे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो मेरिट लिस्ट खुल के आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने BBA पे क्लिक किया था थोड़ी देर पहले, तो देखिए BBA की मेरिट लिस्ट खुल के आ चुकी है हमारे सामने। ओके, BBA में 129 एप्लीकेंट्स ने फॉर्म भरा हुआ था जिसमें 70 या 60 सीट हैं, तो ऊपर से उन्हीं का होगा। तो फिलहाल चलिए मैं बाकी बात आपको बताता हूँ काउंसलिंग से संबंधित। उसी वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ से आपने खोला है, राम मनोहर लोहिया आवध यूनिवर्सिटी की, जो इस वाली वेबसाइट पे जाएंगे जिससे आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा। तो मतलब ये ऑनलाइन एडमिशन की वेबसाइट है, उस पर तो नीचे जाएंगे तो शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग यहाँ पे दिखा होगा, तो इसको आप क्लिक करेंगे शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग को। तो शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास शेड्यूल डाउनलोड हो जाएगा। आप देखिए जितने भी कोर्सेज हैं अलग अलग डेट्स है, 15 सितंबर, 15 तारीख को BWOC फैशन डिजाइनिंग और परफॉर्मिंग आर्ट्स, टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी, जेनोलॉजी और BFA फाइन आर्ट्स का, मतलब इन कोर्सेज का 15 को काउंसलिंग होगी। BSc के जितने कोर्सेज हैं उनकी 16 और 17 में काउंसलिंग है। BCA BBA के 18 को काउंसलिंग है। मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म, इसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन और BSW यानी सोशल वर्क, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, इन तीनों की काउंसलिंग 19 तारीख को है। काउंसलिंग में आपको ध्यान क्या देना है, दो तीन चीज़ें आप जान लीजिए। पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। पहले नंबर पे आपको 10th की पासिंग मार्कशीट और प्रमाण पत्र, अब तो फिलहाल दोनों एक ही में होते हैं तो वो ले जाना है। दूसरा नंबर 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। तीसरा नंबर इस कॉलेज का जब आपने कुछ एडमिट कार्ड या कुछ न कुछ आपने डाउनलोड करा होगा, फाइनली जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो उसके बाद कुछ न कुछ आपको मिला होगा, वो चीज़ आपको डाउनलोड कर लेनी है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। ठीक, तो तीसरी वो चीज़ आप काउंसलिंग में ले जाएंगे। चौथी चीज़, अगर आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना है। पांचवी चीज़, आपको निवास प्रमाण पत्र आपका ले जाना है। छठवीं चीज़, CC और मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र ले जाना है। सातवीं चीज़ आपको क्या ले जाना है, वो है, वन मिनट, समथिंग डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो आपको जो अगली चीज़ है वो, TC मैंने बता दिया, फिर CC मैंने बता दिया, उसके अलावा जो लास्ट चीज़ है वो आपको आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें ले जानी है। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीज़ें अगर आप ले जा रहे हैं तो उसके बाद आपका एडमिशन हो पाएगा। फिर आपको पेमेंट उसी समय करना होगा। पेमेंट के दो ऑप्शन आपके पास होंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज़ ऑफलाइन और सेकेंड ऑप्शन इज़ ऑनलाइन। ऑनलाइन पेमेंट का मतलब आप डेबिट कार्ड वगैरह से अपना पेमेंट कर सकते हैं, और ऑफलाइन का मतलब आपको चालान फॉर्म भरना होगा। चालान फॉर्म आपको वहां से एक फॉर्म दे देंगे उसी समय, और आप वहां किसी भी बैंक वैंक में जाके वो चालान भर पाएंगे। यूनिवर्सिटी की ही बैंक में वो भरना रहता है अक्सर, तो आप उससे बढ़िया सेकंड वाला ऑप्शन चूज करिए, डेबिट कार्ड आप अपने साथ ले जाइए। हो सकता है मोबाइल बैंकिंग भी इस बार लें, लेकिन डेबिट कार्ड आप अपने साथ ले जाइए, डेबिट कार्ड से ही आपका पेमेंट हो पाएगा। तो बस इतनी सी जानकारी है, पेमेंट होने के बाद आपका एडमिशन पॉसिबल है। और बनाए रहे द यूनिवर्सिटी कनेक्शन, ऐसी और अपडेट्स के लिए धन्यवाद।